अस्सलाम वालेकुम बी एंड सी एफ के एक नई वीडियो के साथ मैं डॉक्टर आतिफ रजा। आज की वीडियो जिस टॉपिक पर है वो है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया की क्लासिफिकेशन। लेकिन इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पर था अगर वो नहीं अभी तक आपने ऑनलाइन सर्च किया है तो वो भी देख लें ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, वो है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, यानी कि हम बात कर रहे हैं आज जिस किंगडम की वो है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया की जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास सबसे पहले जिस चीज़ पर बेस करती है वो है हमारे पास अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्गेनाइजेशन। अगर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है तो उसको हम अलग क्लासिफाई करते हैं, अगर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो उसकी क्लासिफिकेशन अलग हो जाती है। तो हमारे पास सबसे पहली जो डिवीज़न है वो है हमारे पास टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो उसको हम अलग क्लासिफाई करते हैं, अगर प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी क्लासिफिकेशन अलग होती है। वो तमाम जानदार जिनमें प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको हम रख रहे होते हैं जिस पार्ट में, उस पार्ट को हम नाम देते हैं पैराजो। यानी कि वो तमाम जानदार जिसमें कोई प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उनको हम शामिल करते हैं पैराजोआ में, और जिनमें प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको हम क्लासिफाई करते हैं यू मेटाजोआ में। तो यहाँ पे हमने सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो की है वो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है। अगर प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो पैराजोआ, अगर प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है तो यू मेटाजोआ। अब ये जो पैराजोआ और यू मेटाजोआ हैं इनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। तो हमारे पास जो दूसरी क्लासिफिकेशन में हमारे पास पॉइंट है, जो दूसरा पॉइंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है हमारे पास सिमेट्री। हमारे पास वो तमाम जानदार जो कि पैराजोआ होते हैं उनमें कोई सिमेट्री मौजूद नहीं होती, यानी कि वो हमारे पास जानदार जो होते हैं वो हमारे पास एसिमेट्रिकल होते हैं। अब ऐसे तमाम जानदार जो पैराजोआ हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, एसिमेट्रिकल होंगे, और इसमें हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक फाइलम आता है, उस फाइलम का नाम है हमारे पास फाइलम पॉरिफेरा। यानी कि इससे हमारे पास जो फाइलम ताल्लुक़ रखता है वो है हमारे पास पॉरिफेरा, और इसमें हमारे पास जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है स्पंजेस। अब हमारे पास जितने भी जानदार हैं जो कि यू मेटाजोन्स होते हैं उनमें हमारे पास सिमेट्री मौजूद होती है, यानी कि वो सारे के सारे जानदार जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं सिमेट्रिकल। अब सिमेट्री को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं कि आया हमारे पास जानदार जो है उसको हम एक प्लेन से दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा प्लेन से हम दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ कर लिया जाए हमारे पास ये एक एनिमल है, इसको अगर मैं यहाँ से डिवाइड करूँ तब भी ये हमारे पास दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड करूँ तब भी हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड करूँ तब भी हो जाएगा, और यहाँ से डिवाइड करूँ तब भी हो जाएगा। यानी कि ऑल दोज एनिमल्स विच कैन बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, ऐसे तमाम जानदार को हम शामिल करते हैं जिस सिमेट्री में उसको हम नाम देते हैं रेडियल। और हम जैसे जानदार जो कि एक ही प्लेन से दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो सकते हैं उनको हम शामिल कर रहे होते हैं बाई लैटरल में। तो यहाँ पे हमारे पास सिमेट्री की बुनियाद पे हमने जानदार को डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, रेडियल में और बाई लैटरल में। अब जो आगे की क्लासिफिकेशन है सिमेट्री के बाद हम जो पॉइंट क्लासिफिकेशन में शामिल कर रहे होते हैं वो है हमारे पास नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, यानी कि किसकी तादाद, जर्म लेयर्स की तादाद, आया वो दो हैं या फिर तीन हैं।
हमारे पास वो तमाम यू मेटाजोन्स जो कि रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं उनके अंदर जर्म लेयर्स की तादाद होती है दो, यानी कि वो सारे के सारे हमारे पास ताल्लुक़ रखते हैं किससे, डिप्लोब्लास्टिक से। यानी कि जितने भी डिप्लोब्लास्टिक होंगे वो सारे के सारे रेडियल सिमेट्रिकल होंगे, किससे ताल्लुक़ रखेंगे, यू मेटाजोआ से। और जितने भी बायलैटरली सिमेट्रिकल हैं उनके अंदर हमारे पास जो जर्म लेयर्स हैं वो हमारे पास तीन होती हैं, यानी कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, उनको हम शामिल करते हैं ट्रिप्लो ब्लास्टिक में। अब यहाँ पे हमारे पास क्लासिफिकेशन में यू मेटाजोआ आ गया, रेडियल सिमेट्री आ गई, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स आ गए। ये जो हमारे पास जानदार हैं जो कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं और यू मेटाजोन से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक फाइलम से ताल्लुक़ रखते हैं, उस फाइलम का नाम है फाइलम नाइडेरिया। इसका दूसरा नाम होता है हमारे पास फाइलम सेलेंट्रेटा, और इसके अंदर हमारे पास जो कॉमन एग्जाम्पल है वो हमारे पास हाइड्रा है और जेलीफिश है। हाइड्रा सिसाइल होता है और जेलीफिश मोटाइल होता है। अब जो हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक की है। ट्रिप्लोब्लास्टिक को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी। अब वो तमाम जानदार जिनके पास कोई बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती, उनको हम नाम देते हैं ए सिलोमेट और इसमें भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक फाइलम आता है, उस फाइलम का नाम है प्लैटी हेलमेंथस। और प्लैटी हेलमेंथस को हम कॉमनली नाम देते हैं फ्लैट वर्म्स। और फाइलम प्लैटी हेलमेंथस की जो कॉमन एग्जांपल है वो हमारे पास है टेप वर्म और प्लेनेरिया। टेप फॉर्म हमारे पास पैरासाइटिक फॉर्म है और प्लेनेरिया हमारे पास फ्री लिविंग फॉर्म है। अब हमारे पास इसको बॉडी कैविटी के लिहाज से जो दूसरे पार्ट में डिवाइड करते हैं उसमें हमारे पास बॉडी कैविटी को हम कहते हैं कि उनके पास बॉडी कैविटी होती तो है लेकिन मीजोडर्म से लाइंड मुकम्मल तौर पर नहीं होती। तो उनके पास जो बॉडी कैविटी होती है वो हमारे पास कैसी है, फॉल्स बॉडी कैविटी है। ऐसे तमाम जानदार जिनके पास मीजोडर्म से लाइंड प्रॉपरली कैविटी मौजूद ना हो उनको हम शामिल करते हैं सूडो सिलोमेट में। और सूडो सिलोमेट में भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक फाइलम आता है, उस फाइलम का नाम है नेमाटोड्स और एस्की हेलमेंथस। और इसमें हमारे पास जो कॉमन एग्जांपल है वो है राउंड वर्म जो कि हमारे पास पैरासाइटिक फॉर्म में है। लास्ट में हमारे पास वो तमाम जानदार आते हैं जिनकी बॉडी कैविटी मीजोडर्म के स्प्लिट होने से बन रही होती है, या फिर अगर इस तरह से डिफाइन कर लिया जाए कि उसकी लाइनिंग हमारे पास मीजोडर्म बना रहा होता है तो उसको हम कह रहे होते हैं कि वो उसके पास ट्रू बॉडी कैविटी है, यानी कि उसके पास क्या मौजूद है, सिलोमिक कैविटी मौजूद है। अगर किसी जानदार के पास सिलोमिक कैविटी मौजूद है तो उनको हम क्लासिफाई करते हैं सिलोमेट में। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन को हमने स्टार्ट किया था पैराजोआ से, यानी कि उनमें प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। जितने भी पैराजोन्स होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं और उसमें हमारे पास एक फाइलम था फाइलम पोरिफेरा। जिनमें प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको हम यू मेटाजोआ में शामिल कर रहे होते हैं और वो तमाम के तमाम जानदार सिमेट्रिकल होते हैं, आया रेडियल सिमेट्री होती है या फिर बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। उनको हम फर्दर डिवाइड कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स, आया डिप्लोब्लास्टिक है। वो तमाम जानदार जो कि रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, उसमें एक ही फाइलम आ रहा होता है फाइलम नाइडेरिया। और वो तमाम जानदार जो बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं वो सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी। अगर कोई बॉडी कैविटी नहीं है एसिलोमेट, फाइलम प्लैटी हेलमेंथस से ताल्लुक रखता है। फॉल्स बॉडी कैविटी है सूडो सिलोमेट, एस्की हेलमेंथस या नेमाटोड से ताल्लुक रखते हैं। सिलोमिक कैविटी मौजूद है, ट्रू बॉडी कैविटी है तो उसको हम शामिल कर रहे होते हैं सिलोमेट में। अब जो सिलोमेट है वो सिलोमेट को भी हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्लास्टोपोर।
तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो है हमारे पास एक ओपनिंग की बुनियाद पे, उस ओपनिंग को हम नाम देते हैं ब्लास्टोपोर। और अगर ये ब्लास्टोपोर माउथ में कन्वर्ट हो रहा है तो ऐसे तमाम जानदार को हम नाम देते हैं प्रोटोस्टोम्स। यानी प्रोटोस्टोम्स आर दोज सिलोमेट इन विच ब्लास्टोपोर इज कन्वर्टेड इनटू माउथ। और इसकी जो दूसरी क्लासिफिकेशन है उसमें हमारे पास ब्लास्टोपोर कन्वर्ट हो रहा होता है एनस में, तो इसलिए हम इसको नाम दे रहे होते हैं ड्यूट्रोस्टोम्स। तो हमने सिलोमेट को डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, प्रोटोस्टोम्स में और ड्यूट्रोस्टोम्स में। जो हमारे पास प्रोटोस्टोम्स हैं इसके अंदर फर्दर हमारे पास तीन फाइलम्स आपके बुक में दिए गए, जिसमें हमारे पास पहला फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा को हम नाम देते हैं जॉइंटेड लेग्स की बुनियाद पे, और इसकी जो कॉमन एग्जांपल में आता है वो हमारे पास सारे के सारे इंसेक्ट्स आ रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो फाइलम है वो है हमारे पास फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा के अंदर हमारे पास जो सेगमेंटेशन होती है वो मेटामेरिक है, यानी कि इसके अंदर हर सेगमेंट में ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे पास रिपीट हो रहे होते हैं। और इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो है हमारे पास अर्थवर्म। लास्ट में हमारे पास जो है वो है फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का में हमारे पास जो जानदार आ रहे होते हैं उनको हम सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स कह रहे होते हैं, और इसमें हमारे पास जो कॉमन एग्जांपल है वो हमारे पास ऑक्टोपस है। ड्यूट्रोस्टोम्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में। अगर ड्यूट्रोस्टोम्स की क्लासिफिकेशन देखें तो इसमें हमारे पास फर्दर डिवीजन दो है, एक हमारी क्लास है जिसको हम नाम देते हैं कॉर्डेट्स, और दूसरी हमारे पास क्लास है वो है इकाइनोडर्मेट्स। तो इकाइनोडर्म्स का ताल्लुक ड्यूट्रोस्टोम से है, और जो कॉर्डेटा है उसका ताल्लुक भी हमारे पास ड्यूट्रोस्टोमेटा से। अब अगर मैं इस क्लासिफिकेशन को देखूं तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक क्लासिफिकेशन जो है किंगडम एनिमेलिया की मुकम्मल हो गई है, तो मैं इसको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। अगर देखा जाए तो हमने किंगडम क्लासिफिकेशन जो स्टार्ट की है एनिमेलिया की, वो है हमारे पास टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन पे। अगर प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो पैराजोआ, अगर प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है तो यू मेटाजोआ। हमने इनको फर्दर क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। हमारे पास जितने भी पैराजोन्स होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि उनको दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं किया जा सकता, और उसमें सिर्फ एक ही फाइलम आ रहा होता है, वो है हमारे पास फाइलम पोरिफेरा। यानी कि जितने भी पैराजोआ हैं वो फाइलम पोरिफेरा से ताल्लुक रख सकते हैं, इसके अलावा किसी और फाइलम से ताल्लुक नहीं रखेंगे जो आपके बुक में है। जिनमें प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं यू मेटाजोआ में, और वो सारे के सारे सिमेट्रिकल होते हैं, आया रेडियली सिमेट्रिकल या फिर बायलेटरली सिमेट्रिकल। जो भी रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम जर्म लेयर्स की बुनियाद पर क्लासिफाई करें, तो उनमें दो जर्म लेयर्स होती हैं, यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म। उनको हम डिप्लोब्लास्टिक में शामिल करते हैं, और उसमें भी सिर्फ एक ही फाइलम है, यानी कि फाइलम नाइडेरिया। यानी कि फाइलम नाइडेरिया के बेसिक करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो यू मेटाजोन है, रेडियली सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक है, तो फाइलम नाइडेरिया। जितने भी बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक को फर्दर हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी इनटू थ्री। जिनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होती एसिलोमेट, इससे सिर्फ एक फाइलम ताल्लुक रखता है फाइलम प्लैटीहेलमिंथस। जिसमें फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, यानी कि कैविटी तो मौजूद है लेकिन उसके तमाम साइड्स पे हमारे पास मेसोडर्म की लाइनिंग मौजूद नहीं है, तो उनको हम शामिल कर रहे होते हैं सूडोसिलोमेट में, और वो हमारे पास ताल्लुक रखता है फाइलम एस्किहेलमिंथस से। यानी कि सूडोसिलोमेट में सिर्फ एक फाइलम है, एसिलोमेट में भी सिर्फ एक फाइलम है। जो सिलोमिक कैविटी रखते हैं प्रॉपर, यानी कि जिनकी कैविटी के लाइनिंग मेसोडर्म सेल्स बना रहे होते हैं, उनको हम शामिल कर रहे होते हैं सिलोमेट में। इसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ब्लास्टोपोर दो पार्ट्स में, प्रोटोस्टोम्स जिसमें ब्लास्टोपोर माउथ बनाएगा, ड्यूस्टोस्टोम जिसमें हमारे पास ब्लास्टोपोर से एनस बनेगा। जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं उसमें हमारे पास तीन फाइलम्स आपके बुक में हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम एनिलिडा, फाइलम मोलस्का। और ड्यूट्रोस्टोम्स में हमारे पास कॉर्डेटा है और इकाइनोडर्मेटा है। इस क्लासिफिकेशन के हवाले से एक चीज़ और, मैंने रेडियल सिमेट्री में सिर्फ और सिर्फ फाइलम नाइडेरिया को शामिल किया, तो हो सकता है कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हो
कि इकाइनोड्रम्स भी हमारे पास रेडियली सिमेट्रिकल में शामिल होता है। हाँ, ये भी रेडियली सिमेट्रिकल में शामिल होता है, लेकिन इसका जो लार्वल स्टेज है, यंग स्टेज है, वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, और जो इसके अडल्ट में आते हैं वो हमारे पास पेंटा रेडियल होते हैं, जैसे कि हमारे पास स्टार फिश। उम्मीद है कि आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लें, या फिर कोई भी टॉपिक जो आप हमसे समझना चाह रहे हो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे ही टाइम मिलेगा उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।